हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली वर्सेस मुंबई की ड्रीम इलेवन टीम के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको ग्रैंड लीग की टीम देने वाला हूं जिससे आप बहुत ही अच्छा विन कर सकते हो। इससे पहले मैं आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जिससे आप जो है बहुत ही आसानी से 5 रुपीज़ करके जो है 20 रुपीज़ जो है अर्न कर सकते हो। तो फ्रेंड ये जो पैसा है आपको डायरेक्ट पेटीएम से मिलेगा, तो आप पेटीएम से ऐड करके ड्रीम इलेवन पर खेल सकते हो। इसलिए मैं आपको इस एप्लीकेशन के बारे में बता रहा हूँ। तो फ्रेंड इस एप्लीकेशन को आप यहाँ पे देख सकते हो, ऐप ब्राउज़र करके नाम है। तो आप जैसे ही जो है नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ गूगल क्रोम पे ऑप्शन मांगेगा, तब आप जो है इसे ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे इसके बाद जो है प्ले स्टोर का जो है ओपनिंग सोर्स मांगेगा, अलाउ चाहेगा कि आप प्ले स्टोर पर इसे ओपन करें। तो फ्रेंड ये एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। जैसे आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक से डाउनलोड करेंगे तो यहाँ की जैसे कि मैंने आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने ऑलरेडी जो है डाउनलोड किया हुआ है, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको जो है मोबाइल नंबर आपका मांगेगा, उसके बाद आप रिफर से जाके देख सकते हो कि आपको जो है ऑलरेडी 5 रुपीज़ मिल चुकी है। और फ्रेंड आप सिर्फ कुछ जो किसी भी फ्रेंड को जो है 3 फ्रेंड को जैसे ही आप रिफ़र करोगे तो आपका जो है 15 रुपीज़ मिल जाएगा। तो आपका टोटल जो है 20 रुपीज़ हो गया। और जैसे ही 20 रुपीज़ हो जाएगा आपको जो ऑटोमेटिक जो आपके पेटीएम वॉलेट से जिस नंबर पे आपने रजिस्ट्रेशन किया है उस नंबर पे आपको जो है 20 रुपीज़ जो है रिसीव हो जाएगा, और आप जो है उससे जो है ड्रीम इलेवन पे ऐड करके खेल सकते हो। तो आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि पैसा मिल रहा है तो आप क्यों छोड़ोगे, और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे भी आपको कुछ बड़ा अमाउंट जीतने के लिए तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि कल ही जो लीग मैच का आखिरी मैच है, उसके बाद जो है प्ले ऑफ्स होने वाला है, उसके बाद जो है मेरा जो है गिव अवे जो है आने वाला है। तो फ्रेंड आप उस पर पार्टिसिपेट करने के लिए मेरे प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए कि क्या क्या है। तो मैं आपको बता दूँ शॉर्ट में, तो वो आपको सिर्फ कमेंट और लाइक करना है, तो मैं आपको जो है बहुत ही अच्छी जो है गिव अवे में जो है विनिंग प्राइज़ देने वाला हूँ। तो फ्रेंड बात करते हैं इस मैच से रिलेटेड। तो ये मैच जो है दिल्ली जो है ऑलरेडी टूर्नामेंट से आउट हो चुकी है, वहीं पे मुंबई के लिए ये मैच जो है डू एंड डाई मैच है। मुंबई अगर मैच ये जीत गई तो मुंबई डायरेक्ट जो है नंबर 4 पे जो है क्वालिफाई कर जाएगी। तो फ्रेंड मुंबई के लिए मैच जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मुंबई शायद इस मैच पे कोई भी चेंजेस ना करे। तो फ्रेंड बात करते हैं ग्रैंड लीग की टीम की जिससे आप बहुत ही अच्छा विन कर सकते हो। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो ऋषभ पंत और ईशान किशन आपके लिए ऑप्शन होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से आप ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग के लिए ही ऋषभ पंत आपके लिए दोनों ही जगह जो है बेस्ट ऑप्शन होंगे। वहीं पे मैंने यहाँ पे ग्रैंड लीग की टीम पे जो है किसे लिया आप यहाँ पे देख सकते हो। मैंने यहाँ पे श्रेयस अय्यर को लिया है, सूर्य कुमार यादव को लिया है, किरण पोलार्ड को लिया है और विजय शंकर को लिया है। आप ठीक है, मैंने इसी प्लेयर को लिया है। ठीक है, आप अगर चेंजेस करना चाहते हैं तो आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं अपने टीम पे, ग्रैंड लीग के टीम पे। आप जो है श्रेयस अय्यर की जगह जो है रोहित शर्मा को ले सकते हैं, जिसकी क्रेडिट अराउंड जो है सेम ही है, और रोहित शर्मा को आप कैप्टन भी बना सकते हो, क्योंकि वो आउट फॉर्म है बिल्कुल, इस टूर्नामेंट में ऑफ कलर दिख रहे हैं, तो इसलिए मैंने उसे नहीं लिया है। इसके अलावा आप चाहें तो सूर्य कुमार यादव की जगह जो है एवियन लुइस को ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हो तो दोनों की क्रेडिट भी सेम है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता आपको कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है। आप चाहें तो यहाँ पर पोलार्ड को एज अ वाइस कैप्टन भी ले सकते हैं। तो बात कर लेते हैं ऑलराउंडर की, तो ऑलराउंडर पर आपके पास यहाँ पर 3 ऑप्शन है, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या एंड ग्लेन मैक्सवेल। तो फ्रेंड आप जो है तीनों ही आपके लिए बहुत ही अच्छे ऑप्शन होंगे। इसके अलावा आप चाहें तो बेन कटिंग को ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बेन कटिंग, हालांकि आपके लिए उतना अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। हालांकि मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप जो है शायद लीग मैच में जो मैक्सवेल का आज जो है आखिरी मौका मिल सकता है, इसके बाद शायद वो अगले ऑप्शन पर जब आएंगे तो इसी मैच पे वो प्रूव करना चाहेंगे। और ये बहुत ही बड़ा मैच होने वाला है मैक्सवेल के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सवेल इस मैच पे जो है अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो अभिषेक शर्मा को ट्राई कर सकते हैं अपने ग्रैंड लीग की टीम में, स्मॉल लीग में आप उसे इग्नोरिंग कीजिएगा। बात कर लेते हैं बॉलर्स की, तो मैंने यहाँ पर जो है बेस्ट बॉलर्स को ही लिया है, जैसे कि जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट, और अगर आप नीचे आएंगे तो मैंने यहाँ पर हर्षद पटेल को लिया है।
अगर आपका क्रेडिट मेंटेन नहीं हो रहा है तो आप चाहें तो संदीप लामिचन्ने को ले सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे बॉलर है और आपको जो है एक दो विकेट लेके दे भी सकते हैं। इसके अलावा आपके पास मैक्लेरगन, मरखंडे, अमित मिश्रा एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन रहेंगे। तो फ्रेंड बात कर लेते हैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की। मैंने यहाँ पे कैप्टन जो है मैक्सवेल एंड वाइस कैप्टन जो है कुणाल पांड्या को लिया है। आप चाहें तो अपने हिसाब से जो है स्मॉल लीग की मैं पहले बात कर लेता हूँ। स्मॉल लीग में ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होंगे कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के लिए। वहीं पर आप चाहें तो हार्दिक पांड्या या फिर पोलार्ड पे ग्रैन लीग पे जो है खेल सकते हो। तो फ्रेंड मैंने ये टीम बनाया है कि अगर दिल्ली जीते तो ये टीम बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगी, अगर दिल्ली हार गई तो आप जो है एक ऐसा टीम बनाई है जिस पे हार्दिक पांड्या, किरण पोलार्ड को आप कैप्टन ले सके, रोहित शर्मा को ऐड कर सकते हैं, एमिल लुईस को ऐड करके एक अच्छी टीम बना सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और मिलते हैं अगले वीडियो में।